चुड़ैल का मजनू। एक गांव में एल रामा राव नाम का एक आदमी था। एल का मतलब लव, लव रामा राव, जैसा नाम वैसा आदमी। रामा राव को प्यार में डूबे रहना बहुत पसंद था। गांव के सभी लोगों पर उसका प्यार बरसाता रहता था, इतना कि लोगों का दम घुटता था। इतना सब कुछ उसके पास होने पर भी उसे बीवी का प्यार नहीं मिला। एक दिन लव रामा राव खुद से सोचा, मैं इस बार एक सुंदर लड़की को ढूंढ कर उसके प्यार में डूब कर उसी से ही शादी करूंगा। यह कहकर अपने लैला के कोच में घूमने लगा। परंतु उसके गांव में से कोई भी लड़की लव रामा राव से शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सभी को उसके प्यार का पागलपन का पता था। बदनसीब हो इस गांव की लड़कियों, जो मुझे ठुकरा रही हो। अब तो मैं पास के गांव की किसी सुंदर लड़की से ही शादी करूंगा। यह कहकर अपना साइकिल लेकर पास के गांव में चला गया। वहां लड़की वाले शादी के लिए मना कर दिए। दुखी लव रामा राव अपना गांव के लिए उस रात निकल पड़ा। आधी रात का समय था जब रास्ते में उसे एक अति सुंदर लड़की रोकी और बोली, अरे रुको रुको, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे प्लीज। लव रामा राव खुद से सोचा, इतनी सुंदर स्त्री, अगर मैं इसे अपनी बीवी बनाऊंगा तो मेरी किस्मत तो खुल जाएगी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ जी, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? माफ करना, कुछ नहीं, चलो आपको घर छोड़ू मैं। खुशी खुशी गाते हुए और उस लड़की से बात करते हुए चल पड़ा। जा ही रहा था कि रामा राव का एक दोस्त रामा राव को खुद से बात करते हुए आधी रात में साइकिल पर गांव की ओर जाते देखा। देखते ही उसका पीछा करने लगा। कुछ दूर के बाद रामा राव उस लड़की को ड्रॉप कर दिया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। कोई बात नहीं जी, आपको घर छोड़ना मेरी खुशी थी। अगर आपको कभी भी लिफ्ट चाहिए तो मुझे जरूर याद करना। तो फिर कल इसी जगह पर? क्यों नहीं, मैं तो जरूर आऊंगा। यह कहकर रामा राव अपने घर की ओर चल पड़ा। रामा राव का दोस्त जो सब कुछ देखा, उसे समझ आ गया था कि वो एक चुड़ैल से बात कर रहा था, और अगले दिन ही वो रामा राव से बात करने उसके घर पर चला गया। मेरे भाई मजनू, कल रात कहाँ पे थे तुम? अरे वो, मैं तो मेरी लैला, मेरी दिल के रानी से मिला। क्या है ये लैला और दिल की रानी? हाँ, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल,
भूल जाओ उसे तुम। जा रे जा, जलना बंद कर अब तू जलंधर। वो इतनी सुंदर थी कि उसे भूलना नामुमकिन है, नामुमकिन। उस चुड़ैल से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है भलाई, समझे क्या? जल मत अभी, चल निकल यहाँ से, मुझे बहुत काम है। और तो और, मुझे आज फिर से अपनी लैला से मिलने जाना है। मत यार, मत जा वहां उससे मिलने। रामा राव उसके दोस्त की एक ना सुनी और उस लड़की से मिलने चला गया। तो चले अभी? चलो। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की पूरे रास्ते में एक भी शब्द नहीं बोली और जब उसका उतरने का समय आया वो बोली, रोको। अरे यहाँ तो कब्रिस्तान है कब्रिस्तान, मैं थोड़ा आगे चलकर रुकता हूँ। रोक बोली ना मैं। क्या हुआ? यह कहकर जब पीछे मुड़कर देखा तो वह चुड़ैल में बदल गई। अरे कितनी सुंदर हो तुम, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? मेरा घर बहुत बड़ा और विशाल है, तुम वहां आराम से रह सकती हो। अबे चुड़ैल से शादी करेगा? हाँ, तुम पर मेरा दिल आ गया है दिल। बाप रे बाप, ये मजनू चुड़ैल को भी नहीं छोड़ रहा है, भागो रे भागो। यह कहकर वहां से गायब हो गई। इस तरह लव रामा राव अपने गांव में से उस चुड़ैल को भगा डाला और पूरे गांव में काफी मशहूर हो गया।